हेलो, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। हाँ हेलो जी, जी, बताइए वेद वेद साहब बोल रहे जी। बोल रहा हूँ जी। हो? जी मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है रोनी के हिसाब से, मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है जी। हाँ, हेलो जब भी हेलो, नमाज पढ़ते हैं जी, बताइए। मैं जब भी नमाज से जाता हूँ तो हमेशा मेरा शैतान वसवसा आता है कि जैसे कि हमारा मतलब धड़कन ज्यादा बढ़ने लगता है, सांस फूलने लगता है बहुत एक मिनट होल्ड ज्यादा करिए, एक मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा कम जी। हाँ, जी। क्या ख्याल आता है? मैं जब भी एक बार मैं जुम्मे का नमाज पढ़ रहा था, तो हाँ, जुम्मे का नमाज में मैं सबसे आगे था, आपका साथ में सबसे आगे साथ में, तो जुम्मा मैं की तब नमाज में से आप, सॉरी फिर से, जी मैं जुमे का नमाज में सबसे आगे साथ में था, ठीक है आगे की जी सफ में थे। हाँ, फिर आगे बताइए। जी तो मैं उस दिन एक वसवसा ऐसा आया कि जैसे कि सजदा में मैं गया ना, तो हाँ, ऐसा लगा कि मेरा मतलब सांस रुकने वाला, अटकने वाला, बेचैन सांस वाला रुकने एकदम, वाली। जैसे ओके सजदा में जाकर तुरंत मैं उठ गया, ठीक है। जी उसका बाद से मैं जी जब भी मतलब नमाज में जाता हूँ तो हाँ हाँ हमेशा यही मतलब आ जाता है जेहन में कि वसवसा एक आ जाता है कि मेरा फिर से ऐसा ही होने लगता है वैसा होने जहनी के लगा तौर है जी। के हिसाब से ठीक जी। है, ओके। अच्छा, तो भाई मैं आपको एक बात ये कहूँगा, जी सबसे पहले तो एक ना एक दिन तो मरना ही है, जी और अगर किसी की नमाज में और वो भी जी सजदे के हालत में इंतकाल हो जाए तो उससे अच्छी चीज़ जी क्या हो जी सकती है? तो ये कोई डरने वाली जी चीज़ नहीं है, डरने वाली जी चीज़ नहीं है। हाँ मैं खाली टाइम में आपका कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होता जी जी, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कोई शैतान वसवसा डालने आ गया, मतलब नमाज का हालत में जी तो इसको सबसे पहले तो इसको डर की कैटेगरी से खुशी की जी कैटेगरी में जी डालिए, भाई डर में से निकालो। डर वाली बात नहीं है, मरना तो है ही ना, नमाज में सजदे की हालत जी में इंतकाल हो जाए, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? पहले तो जी वो चीज़ हुई। दूसरी चीज़, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्कुरिल मौता फी सोलातिक, नमाज में अपनी मौत को याद करो। ये हदीस है। तो ये जो भी चीज़ है जिस वजह से फाइनली तो आपको मौत की याद आ रही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज में अपनी मौत को याद करता है, लहरीयुन, वो बहुत कोशिश करता है कि अच्छी नमाज पढ़े। तो ये भी एक अच्छी चीज़ ही हुई। हाँ, दूसरी चीज, लेकिन इसके अंदर एक चीज ये करिए कि आपके सामने क्लियर रखिए। पहले तो जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम अगर है आपका तो मेडिकली जाके चेक मेरे कराइए। मेडिकल प्रॉब्लम मैं चेक करा चुका हूँ, कुछ भी नहीं हाँ, निकलता, सब कुछ भी नहीं है पॉजिटिव ना, है माफा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको आफियत में रखे। तो मेरे भाई इसमें क्या करिए ना, याद रखो, एक होता है रियल, एक होता है जी इमेजिनेशन। रियल जी क्या है? आपकी चेकिंग हो गई, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी इमेजिनेशन ये, अरे कुछ हुआ तो, ख्याल बोले, हाँ जी इमेजिनेशन को वसवसा कट एक आ करने की जाता है आदत जी डालो। हैबिट क्या जी करो, रियल को डील करेंगे, ख्याली चीजों को डील नहीं कर सकते। याद रखिए, जी सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, गुमान वाली बात सबसे झूठी बात। यानी जो गुमान वाली बात है ना, गुमान, वो जी सबसे झूठी बात होती है, तो उसको हम लोग फाइट नहीं कर सकते। वैसे गुमान वाली वाली कहानी इतनी बड़ी होती है ना, उसको, उससे लड़ नहीं सकते हैं, उसको उसे उठा के जी डस्टबिन में डालना होता है। रियल को सामना जी करेंगे, जी जो रियल है। तो रियल ये है, डॉक्टर ने कहा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको आफियत में रखे। अब नमाज में अगर मौत की याद आ रही है, अच्छी चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नमाज और अच्छी हो जाएगी। हाँ, बाकी इसके अंदर कोई नेगेटिव डर नहीं होना चाहिए, जो होना है वो तो होना है, वो तो ऐसे भी होना है ना। अभी हम क्या करें उस पर फिक्र करते हैं कि भाई मैं क्या करूं, क्या मैं अच्छे नेक काम कर रहा हूं, क्या मैं इबादत अच्छी कर रहा हूं, क्या मैं नमाज अच्छी पढ़ रहा हूं, रमजान का मंथ महीना भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे फोकस करो जी जी इंशाल्लाह। हाँ, जज़ाकअल्लाह खैर और एक बात ये सर, जी। हेलो, जी मैं बताइए। जैसे कि मैं जमात के साथ पढ़ रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आता है, जैसे मैं अकेले पढ़ा तो इतना नहीं आता है कुछ भी, जिस जी जमात के साथ में पढ़ने से मतलब ज्यादा मतलब जैसे शैतान वसवसा डालता है मुझे जी तो तो यहां पे कैसा है ना, उसको सही जगह पे रख दीजिए। अगर शैतान आके जी कहता है कि तुम्हारी मौत आ जाएगी, हाँ, अगर शैतान ये वसवसा डालता है तो हम कहते हैं हाँ मौत आएगी, याद दिलाया, अच्छा हुआ। मतलब शैतान से हम ये बात समझ लें कि चीज अगर अच्छा ख्याल है ना, तो आप याद रखिए दो चीजें हैं इसमें। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला माहु करीनुहु मिनल मलाइका व करीनुहु मिनल जिन, तुम में से ऐसा कोई नहीं है, उसके साथ एक साथी होता है फरिश्तों में से और एक साथी होता है जिनों में से, और जो जिनों में से साथी है वो उसे बुरा काम करने कहता है, जो फरिश्तों का साथी है वो उसे अच्छा काम करने कहता है। हाँ, जी तो
अब इसमें ये जो चीज है कोई बुरी नहीं दिख रही है, लेकिन वो डर जो है नॉर्मल लेवल से आगे ना रहे, जी, इमेजिनरी वो वाला डर मत कैसे निकलेगा, जाता। मुझे वही जानना था। मतलब एक तो वसवसा जो आ जाता है बीच में, वही वसवसा कैसे निकलेगा? जी, आपको ये करना है रियलिटी और गुमान में फर्क करने का, अपने आप को ट्रेन करना है। रियलिटी क्या है, हाँ, और गुमान कहां से शुरू हो रहा है रियलिटी है, होगा 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 गुमान है, ये होगा वो होगा, हाँ ये है, अच्छा, क्या है उसका सामना करेंगे। होगा को हम साइड हटाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अकज़बुल हदीस, सबसे झूठी बात है वो, उसको डिलीट करना है। हाँ इंशाल्लाह, ठीक, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ऐसे अल्लाह ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।